हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी हम जा रहे हैं लुलू मॉल में और ये मेरी फ्रेंड है पूजा। और इधर हमने लुलू मॉल में एक गाड़ी खरीदी और गाड़ी हमने कितने की खरीदी आप व्लॉग को एंड तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। अगर आपको ऐसी गाड़ी लेनी है तो आप लुलू मॉल जाइए, गाड़ी बाय कीजिए। अभी हम ऑटो में हैं और ये पूजा है मेरी फ्रेंड और उनके हस्बैंड, और इलू पूजा के साथ कर रही है प्ले। अभी बाहर का क्लाइमेट इतना अच्छा है, बारिश के जैसा मौसम हो गया है। देखो कितना अच्छा व्यू लग रहा है। अभी हम पहुंचने वाले हैं लुलू मॉल में, मैं आपको दिखाती हूँ लुलू मॉल। और ये भारत का सबसे बड़ा मॉल है, हमने इधर एंट्री कर लिया है। अभी मैं आपको एंट्रेंस पॉइंट दिखाती हूँ। और ये इतना बड़ा मॉल है, एक दिन में तो कवर भी नहीं होगा, शायद दिखने लग जाते हैं पर मॉल कवर नहीं होता है, आपको 2 डेज में मॉल कवर करना पड़ेगा। चलो, और हमने एक मिस्टेक कर दी, हमने बेबी की स्ट्रोलर घर में ही छोड़ दी। हमें बेबी की स्ट्रोलर लेके आनी चाहिए थी, क्योंकि ये मॉल इतना बड़ा है कि बच्चों को कैरी करके बहुत ही मुश्किल हो जाता है और बच्चा भी गोदी में परेशान हो जाता है। अभी ये हम कर रहे हैं लुलू मॉल में एंट्री, और इससे नीचे ग्राउंड फ्लोर है, हम अभी फर्स्ट फ्लोर पे हैं। और ये फर्स्ट फ्लोर पे ये मैप लगाया हुआ है, इधर आप मैप में देख के, और मैप इसलिए लगाया हुआ है इधर क्योंकि ये बहुत बड़ा मॉल है। और इधर सब मेंशन किया हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या ब्रांड के कपड़े मिलेंगे, सेकंड फ्लोर पे क्या है, थर्ड फ्लोर पे क्या है। हम इधर चेक कर रहे हैं कि हमें कौन से फ्लोर पे पहले जाना है। ये देखो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, इधर पूरा डायरेक्शन दिया गया है। अभी हम जा रहे हैं अंदर, और इधर बहुत बड़ी गाड़ी खरीदी थी, हमें गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी पर हमारे पास इतना पैसा नहीं था। पर पैसा आएगा जब हम आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और मेरे YouTube मनी आने लग जाएगी, तब मेरे पास पैसा आ जाएगा। मैं क्या हुआ, हम अंदर बैठ नहीं सकते तो फ़ोटोज़ तो क्लिक कर ही सकते हैं, हमने इसमें फ़ोटोज़ क्लिक की बाहर से। अभी मैं आपको मॉल अंदर से दिखाती हूँ। इसमें थर्ड फ्लोर है और नीचे ग्राउंड फ्लोर है, मैंने पहले ही बताया। और अभी ये देखो स्टार्ट हो गया है मॉल हमारा, और इधर मशीनें रखी हुई थी बड़ी बड़ी, लोग आ रही थी इधर आराम से बैठ के रिलैक्स हो के मसाज ले रहे थे। अभी हम चल रहे हैं अंदर, और पूरे मॉल में एसी लगा हुआ था, इतना चिल्ड हो रखा था इधर। कुछ हमारे जैसे तो इधर एसी की हवा खाने आ जाते हैं, और इधर हर ब्रांड के कपड़े मिल जाते हैं। और बहुत ज़्यादा फूल वैराइटीज है इधर, आपको साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन सब टाइप के फूल मिल जाएंगे, केला टाइप सब टाइप के फूल मिल जाएंगे, आपको जो भी खाना है वो अंदर मिल जाएगा। बहुत बड़ा फूड कोर्ट है इधर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको जिस भी टाइप का कुछ भी चाहिए वो सब कुछ इधर इस मॉल में मिल जाएगा, बस आपके पास पैसे होने चाहिए। अभी हम जा रहे हैं लिफ्ट से ऊपर सेकंड फ्लोर पे, और मॉल में सब चीज़ों पे ऑफ चल रहा था, पर ऑफ करके भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट था चीज़ों का। अभी मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ टॉप फ्लोर से व्यू, देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इधर हमने कुछ फोटोज क्लिक करवाई, और ये सेकंड फ्लोर की फोटोज हैं। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. और मुझे एक छोटा बैग पसंद आया, बहुत ही अच्छा था।
इसके साइड में फोन थे इतने सॉफ्ट वाले। अभी मैं आपको ड्रेस भी दिखाती हूँ और प्राइस भी देखना आप इनके। ये किड्स कलेक्शन है, कितने अच्छे अच्छे सॉफ्ट थे। उसके बाद मुझे एक इधर टॉप पसंद आया पर उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा था और मेरे को फिट भी नहीं हुआ। मेरे को मीडियम साइज चाहिए था पर एक्सेल से स्टार्टिंग था ये वाला। देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है टॉप, पर मेरे साइज का नहीं था, मुझे फिट नहीं हो रहा था। अभी मैं आपको लॉन्ग ड्रेस दिखाती हूँ और ये पूजा प्राइस को देख के शॉक हो गई। और सबसे बड़ा मॉल है ये। और इधर देखो लॉन्ग ड्रेसेस के कलेक्शन इतने अच्छे अच्छे थे। मुझे एक तो पसंद आया था ये पीच कलर का, पर इसका प्राइस था 6500, पर देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके बाद आ गए हम फुटवेयर कलेक्शन में। पूजा उधर सेलेक्ट करने गई है फुटवेयर और ये देखो हैंड एम्ब्रॉयडरी बनाई गई है किसी ने। और इधर ये खादी क्लॉथ्स भी थे, बहुत ही अच्छे थे। मैं आपको दिखाती हूँ इस लेडी ने बनाई है एम्ब्रॉयडरी वर्क। उसके बाद आ गए हम बैग कलेक्शन में। बैग का कलेक्शन भी बहुत ही अच्छा था। बैग है 1899 का, 999 का है वो बैग। और बहुत ही ज़्यादा स्पीसीस लग रहे हैं ये बैग। और ये छोटे वाले बैग भी थे इधर, ये देखो। किसको बोल रहे थे? इधर बच्चों के गेम करने के लिए भी बहुत ही अच्छा था। छोटे बच्चे तो बहुत खुश होके आते हैं लुलु मॉल में, क्योंकि इधर बहुत सारे गेम्स प्ले करने के लिए मिलते हैं। उसके बाद गए हम हाइपर मार्केट में। हमने बड़ा सा टोकरी उठा लिया इधर और हमने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि इधर भीड़ इतनी लगी हुई थी। हमारा नंबर शाम तक नहीं आता पर हमें इधर जल्दी जाना था क्योंकि लुलु बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई। उसके बाद हमने खाया कुछ फूड, हमने खाया बिरयानी, पिज्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज। सेल्फी ली हमने फिर टॉप फ्लोर पे। और इलू बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई है, छोटा बच्चा गोदी में परेशान हो जाता है इतना बड़ा मॉल है। इसके बाद हम जा रहे हैं घर। और मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।